छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते रात में मिले 21 मरीज के साथ बीते 24 घंटे में कोरोना ने प्रतिदिन का अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में 242 मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें अकेले रायपुर से नए 127 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इन नए मरीजों के साथ प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 5003 हो गए हैं, जिनमें अब तक कुल 3512 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। इसी के साथ ही वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 1467 हो गई है, जिनका प्रदेश के विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं आज 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर बीते 24 घंटा की बात करें तो पहली बार 242 मरीज एक साथ मिले हैं, तो वहीं राजधानी रायपुर से अकेले 127 मरीज हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है और अब तक मरने वाले की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। तो वहीं अगर हम बात करें एक्टिव मरीजों की संख्या, तो 1400 ज्यादा प्रदेश में एक्टिव मरीज है और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 से पार हो चुकी है। तो वहीं 3500 से ज्यादा मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अगर हम प्रदेश में बात करें तो जिस तरह से कोरोना मरीज आ रहे हैं, उसी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन इन दिनों राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ 1000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं और लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर सही समय पर अगर सही कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ चिंतनीय विषय हो सकता है और लगातार संक्रमण के जद में राजधानी रायपुर समा सकती है। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्यराज कुश, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।